हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। अपडेटर आईपीओ एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का आज क्लोजिंग डेट है। 25 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, आज इसका क्लोजिंग डेट है। 3 दिन का पीरियड था इसके इसे अप्लाई करने के लिए, सब्सक्राइब्स करने के लिए। अभी इसकी हम लोग सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना है, लोगों ने कितना इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया है, कितना बोली लगाया है। अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में 4.50 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी 0.89 टाइम्स भरा है। बीएनआईआई कैटेगरी 1.07 टाइम्स भरा है। एसएनआईआई कैटेगरी 0.53 टाइम्स भरा है। रिटेल कैटेगरी अच्छा भरा है, 1.45 टाइम्स भरा है। टोटल सब्सक्रिप्शन 2.96 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, लगभग 3 टाइम्स का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसकी जीएमपी बिल्कुल ही जीरो है, अभी तक इसकी जीएमपी स्टार्ट ही नहीं हुई है। आज 27 सितंबर हो गया बट इसकी जीएमपी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसमें कहाँ पर लिस्टिंग होगी, क्योंकि ये अभी अनलिस्टेड मार्केट में 300 पर ही ट्रेड कर रही है, यानी कि अपने निवेशकों को 0% का मुनाफा दे रही है। बट इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, ये बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट चलाती है, इसका कामकाज अच्छा है। तो इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। तो अभी इसमें देखना यह है कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होगी। मे भी इसकी लिस्टिंग में लगभग हमें 3-4% का मुनाफा मिल सकती है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट इसकी लिस्टिंग हो सकती है। निगेटिव लिस्टिंग का चांस नहीं है इस आईपीओ में, तो इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा मिलेगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लिस्टिंग हो सकती है। मैं इसमें अप्लाई नहीं की थी क्योंकि मेरा पहले से ही प्लान था कि इसकी जीएमपी है ही नहीं, तो मैं इसमें अप्लाई क्यों करूं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अप्लाई की थी, मैं इसमें अप्लाई करने के लिए मना भी की थी क्योंकि मेरा इसमें पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है, बाकी लोग अपना देखें और अपना अप्लाई करें। तो अभी इसकी लिस्टिंग कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 2-4% 5% का मुनाफा दे सकती है, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में अभी भी अपने हायर रेंज 300 पर ट्रेड कर रही है, जो कि 0% का मुनाफा दे रही है अपने निवेशकों का। चलिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं। इसमें लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया क्योंकि एक बड़ा कंपनी था, जेएसडब्ल्यू का एक पार्ट था। जेएसडब्ल्यू एक बड़ी कंपनी है जिसका एक पार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर 1 टाइम्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 60.12 टाइम्स का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी 16.83 टाइम्स, 60.83 टाइम्स का यहाँ पर भरा है। बीएनआईआई कैटेगरी में 17.94 टाइम्स भरा है। एसएनआईआई कैटेगरी में 40.62 टाइम्स भरा है। रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिस्पांस दिए हैं, 10.86 टाइम्स भरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इस आईपीओ में, और मे भी इसमें 44% या इससे भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिलने का चांस है। 40-44% के रेंज में इसमें प्रॉफिट मिलने की चांस है। टोटल जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ है 39.36 टाइम का, 39.36 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसकी जीएमपी आज के डेट के अनुसार 19 रुपये पर ट्रेड करी है, कल भी 19 रुपये पर ट्रेड करी है। हाईएस्ट जीएमपी है इसके, जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिले हैं। इसके लो जीएमपी जब यह स्टार्ट हुआ था 14 रुपये पर इसका लो जीएमपी है, और सबसे इसकी जीएमपी 18 रुपये पर स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे कम हुआ और अभी ये बढ़ चुका है, 19 रुपये पर ट्रेड करी है। यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में ये 138 पर ट्रेड करी है, जिसमें ये 15.97% लगभग 16% का मुनाफा दे रही है, बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है अनलिस्टेड मार्केट में। लेकिन जब लिस्टिंग होगी इसमें लगभग 40-44% का मुनाफा मिलने का चांस है, तो एक अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकती है, लगभग 6000 के आसपास में हमें प्रॉफिट मिल सकती है इस आईपीओ में। इसके जो डेट फिक्स किए गए हैं वो डेट चेंज हो सकते हैं, किसी भी आईपीओ का डेट चेंज हो सकता है, क्योंकि डेट जो अनाउंसमेंट कर रही है कंपनी, ये डेट अलग अनाउंसमेंट कर रही है। इसकी प्रक्रिया जो शुरू कर रही है T+3 डेज का जो रूल है, T+3 डेज के हिसाब से सारी प्रक्रिया शुरू कर रही है। अलॉटमेंट हो गया, रिफंडेड हो गया, ये सारा प्रक्रिया इसी रूल के तहत, NSE की रूल के तहत कर रही है। लेकिन इसकी डेट पता नहीं क्यों पहले इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रही है कंपनी।
ले, डेट फिक्स कर ले, इसी रूल के अकॉर्डिंग डेट फिक्स कर ले और इसी रूल के अकॉर्डिंग ये अपना सारा प्रक्रिया करे, क्योंकि डेट पहले अनाउंसमेंट कुछ और कर रहा है, बाद में डेट चेंज कर रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी उठाने के लिए मिल रही है, निवेशकों को काफी ज्यादा परेशानी उठाने के लिए मिल रही है। जो इन डेट को ध्यान में नहीं रखते, जो अपना निश्चिंत हो गए, उनके लिए खास करके बहुत ही मुश्किलात पैदा हो रही है। तो इसलिए डेट पर ध्यान रखें, डेट चेंज होते रहते हैं, तो डेट को आप अपने नजर बनाए रखें, डेट पर कभी भी डेट चेंज हो सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने किस आईपीओ को अप्लाई किया है, अपडेटर या फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं अपडेटर अप्लाई नहीं की हूँ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ही अप्लाई की हूँ, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी का पार्ट है और इसकी जीएमपी भी ठीक ठाक है, तो एक अच्छा बेनिफिट मिल सकती है और मैं इसमें लंबे समय के लिए होल्ड करूंगी इसमें, ताकि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिले। एक कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है आने वाले समय में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।